उनको ये पाखंड नजर नहीं आता, इनको नहीं, मैंने कहा पाखंड की और विश्वास को भी साइंटिफिकली करना पड़ता है। आप पाखंड को पाखंड कहिए, विश्वास को विश्वास, ये विश्वास। देखिए आपने एक शब्द यूज किया, पास्टर अंकुर नरूला, पास्टर विजिंदर। आप पास्टर का पहले मीनिंग तो समझ लीजिए, पास्टर होता कौन है? जो लोग हीलिंग को पाखंड बोलते हैं, काश ऐसा तुमने भी किया होता। इनके घर, इनके एड्रेस ऑनलाइन चढ़ते हैं, डिलीट नहीं होती। आज से 10 साल पहले की वीडियो भी इंटरनेट पे पड़ी है, खुद क्यों नहीं जाकर पूछते? तुम्हें मालूम हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है ये प्रूफ करने से कि यीशु मसीह जिंदा और एक लौता जिंदा परमेश्वर। तुम्हें मालूम है प्रूफ हो जाएगा जब हम इनके घरों में जाएंगे, लोग बताएंगे कैसे काम हुआ। तो जितने भी आपने क्लिप दिखाए उनमें एक भी जन ऐसा नहीं दिखाया आपने जो अशिक्षित लगता हो, तो अमेरिका में जो क्यों नहीं होता? लगता फादर, 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 और अगर पॉइंट उसी पे तो था, अमेरिका में फिर ये चंगाई सभा क्यों नहीं होता? अमेरिका का मेरा मैं समझता हूं कि न्यूज़ नेशन अभी तक वहां पहुंचा नहीं है। नहीं सर, हमने पहुंच पाया तो वहां पे हजारों देखते आप, गूगल तो पहुंचा है ना, आप वीडियो आस किया जा रहा है ना, फिर नेशन को वहां पर लेकर के नहीं गए। और आप अगर लेकर के जाएंगे आप गूगल के कॉलेज में घूम रहे हैं फादर, आप कह रहे हैं गूगल के कॉलेज क्लास में घूम रहे हैं। अच्छा फादर, अगर आप फिजिकली वहां जाएंगे फादर, आप ऐसी सभा आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विशारम दासिया चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। और जैसे कि बाइबल का वचन भी बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा कि अगर तुम विश्वास करोगे तो इससे भी जो कठिन काम है तुम करने पाओगे। हालेलुया, और बहुत ऐसे चेले हैं जिन्होंने विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ्य पाई। और आपने देखा कि बाइबल में कितने चेले हैं जिन्होंने चिन्ह चमत्कार दिखाए, प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार दिखाए। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस चिन्ह चमत्कार को लेकर, इस जो कि कामों को लेकर जो प्रभु यीशु मसीह आज अपने लोगों को यूज़ कर अपने लोगों के बीच में कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े न्यूज़ चैनल हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, इस चीज़ को पखंड बताया जा रहा है और इस चीज़ के विरोध में वो न्यूज़ लगा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह का पता है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वही जान सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में। उनका ही विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह है जो कि अद्भुत रीति से कार्य कर सकता है और बड़े काम कर सकता है, क्योंकि अगर वो मुर्दों को जिलाने की ताकत रखता है। आपने देखा बाइबल में हम जब लाजर के बारे में पढ़ते हैं तो लाजर जो मर चुका था, जो कि मुर्दा था, और चौथे दिन जब प्रभु यीशु मसीह उसे मिलने को गए और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें हील किया, ब्लेस किया और उसे ज़िंदा किया। और आज भी वो चिन्ह चमत्कार है जो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा चर्चेस में दिखाता है। और ऐसे ही परमेश्वर ने अपने दास को चुना है, जैसे कि अपोस्टल अंकुर यूसुफ नोरा जी को, जिनके द्वारा आज परमेश्वर बड़े काम कर रहा है। परमेश्वर अद्भुत रीति से उन्हें लोगों के बीच में इस्तेमाल कर रहा है और लोग वो अद्भुत कामों की टेस्टिमनी भी लेकर जो कि चर्च में आते हैं और लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, न्यूज़ चैनल हैं जो इस चीज़ के विरोध में काम कर रहे हैं कि ये सब जो कि पखंड दिखाया जाता है, ये सब गलत दिखाया जाता है। और मैं बताना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल ने जो कि इस मसीहत के लोगों को, मसीह लोगों के इन चमत्कारों को पखंड की परिभाषा बताया है कि ये लोग हैं जो कि पखंड करते हैं, ये लोग जो कि गलत लोगों को गाइड करते हैं, अंधविश्वास में लोगों को फैला रहे हैं। और उसी को लेकर परमेश्वर के एक दास जो इनके साथ आज बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि क्या सच है और क्या झूठ है, चमत्कार किन लोगों के लिए है और किस चीज़ के द्वारा परमेश्वर हमारे बीच में जो कि चमत्कार दिखाता है। हालेलुया, और आइए हम वीडियो को भी देखेंगे आगे जाकर। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आप आगे जाकर वीडियो में भी देखेंगे कि कैसे एक परमेश्वर के दास के द्वारा ऐसे लोगों को जवाब दिया गया, उन्हें उत्तर दिया गया, उन्हें बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धारकर्ता है, वो अभी नहीं, वो शुरू से लेकर 2000 साल पहले से लेकर ही जो कि लोगों के बीच में चिन्ह चमत्कार दिखाते थे, लोगों को हील करते थे, लोगों को ब्लेस करते थे, और वही आज मसा, वही आज जो अनॉइंटिंग है जो कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे, तो जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कहकर गए थे कि जाओ तुम सब जगत में जाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा
बपतिस्म दो, तुम सुसमाचार प्रचार करो, और इससे भी बड़े बड़े जो काम मैंने तुम लोगों के बीच में किए हैं, वो काम इससे भी बड़े बड़े काम तुम लोग जाकर लोगों के बीच में करो और लोगों को आज़ाद करो, लोगों को छुड़ाओ। हालेलुया। और आइए हम आज की इस वीडियो को देखते हैं, और आप हमें इस वीडियो को देखकर कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताएं। और जो मसीह विश्वासी हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो उद्धार करता है, वो कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल वाले हैं, बहुत से ऐसे मीडिया चैनल वाले हैं जो सच्चाई को नहीं जानते। क्योंकि आपने देखा, परमेश्वर के दास के द्वारा भी बताया गया कि जो लोग इस चीज़ को पखंड कहते हैं ना, वो लोग लोगों के घरों में क्यों नहीं जाते, वो लोग जिन लोगों की टेस्टिमनी आती है, जो लोग परमेश्वर में आकर अपनी गवाहियों को देते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया, उनके घरों में जाकर इंक्वायरी क्यों नहीं करते। वो इसीलिए नहीं करते कि जब हम उनके घरों में जाएंगे तो हमारी असलियत सामने आएगी, और प्रभु यीशु मसीह जो सच में ज़िंदा खुदा लोगों को आज़ाद करता है, वो सच्चा माना जाएगा, उसकी सच्चाई, वो जो ब्लेस लोगों को करता है वो सही माना जाएगा। इसीलिए लोग डरते हुए लोगों के घरों में नहीं जाते, सिर्फ दोष लगाना लोग चाहते हैं। और आइए हम वीडियो को देखते हैं। आपने एक शब्द यूज किया, पास्टर अंकुर नरूला, पास्टर विजिंदर। आप पास्टर का पहले मीनिंग तो समझ लीजिए, पास्टर होता कौन है? उनको समझाना चाहिए था जो खुद को बिशप ही बोलने लगते हैं। हाँ। मैं तो पास्टर ही बोल रहा हूँ, बिशप भी बोल रहे हैं, फादर भी। वो होते हैं जो परमेश्वर के कार्य करते हैं। ये पास्टर नहीं है, ये संत है। जो मेरी पड़ोस में लेफ्ट हैंड पे बैठे संत है, वो डॉक्टर है। वो नहीं, आप मेरे प्रश्न पे नहीं आए, आप मेरे प्रश्न पे नहीं आए। ये आपके पहलू पर है, ये आपके धर्म में ये चीजें हैं। तीन चमत्कार करने वाले को संत की उपाधि दी जाती है, तो ये तो डेली इतने चमत्कार कर रहे हैं। आप इनको क्यों संत कह रहे हैं? इनको नहीं कह रहा हूं मैं, जिसकी बात कर रहा हूं आप कह रहे हैं, फिर आप घुमा रहे हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप या तो उसे फर्जीवाड़ा कहिए, या नहीं तो कहिए कि ये सेंट हो चुके हैं। नहीं, आप उनको, आप हिंदू धर्म में संत की अलग परिभाषा है, फिर आपको इसका ज्ञान नहीं है। फिर मैं कहूंगा कि आपको पहले उसमें ज्ञान अर्जित करनी चाहिए, फिर आप ऐसा उनके कौन से चमत्कार थे? आप इनको संत कह देते हैं। फिर आपको बोलता हूँ फादर, बीइंग अ फादर, आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अज्ञान है, कि आपको जो है ना अज्ञानता ये दिख रही है कि इसमें आपको हिंदू धर्म में संत परंपरा क्या होती है पहले आपको ये पढ़ना चाहिए, और आपके क्रिश्चियन धर्म में ये कहा जाता है कि तीन ना फिर आप इंटरप्ट मत कीजिए, ज्ञान हासिल कर लीजिए, ज्ञान हासिल कर लीजिए, उससे आपको जानकारी पढ़ने के बाद आपको फायदा होगा, जानकारी पढ़ने के बाद आपको फायदा होगा। फिर ऐसे गुमराह लोगों को जो है ना रास्ते पे नहीं, उनको सेंट कहते हैं, तीन चमत्कार करना पड़ता है। आपका धर्म कहता है, ये आपका क्रिश्चियन धर्म कहता है, या तो कहिए उनको आप मतलब ये बिलीवर नहीं हो रहे। आप खैर हमारा ये उनको उनको, उनको उनको ये पाखंड नजर नहीं आता इनको, नहीं मैंने कहा पाखंड की और विश्वास को भी साइंटिफिकली करना पड़ता है। आप पाखंड को पाखंड कहिए, विश्वास को विश्वास देख रहे हैं। आपके मुहिम पाखंड के खिलाफ है। सर्वप्रथम हमें यह देखना होगा कि हम पाखंड और विश्वास को फर्क करके देखें। पाखंड की परिभाषा बिल्कुल फर्क है और विश्वास की परिभाषा बिल्कुल फर्क है। पाखंड वो होता है जिसमें इंसान जो नहीं होता वो अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है, वो पाखंड होता है। और विश्वास वो होता है जिसका पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो नहीं देखा जाता आप उस पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास की प्रकाष्ठा है, और जब प्रकाष्ठा होती है तो चमत्कार होते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मैंने पहले भी कहा था पहले के डिबेट में, और आज फिर एक बार दोहराना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब शरीर के साथ आसमान पर जा रहे थे, मुझे उस शक्ति पे विश्वास है। मैं किसी भी धर्म से जुड़ा हूं, चाहे मेरा इष्ट कोई भी हो, उसी तरह मुझे लगता है कि यीशु को मानने वाले जो बिलीवर हैं उनके अंदर की बिलीफ पे मैं प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन ये काम उनको करने दिया जाए ना जो हैं। आप चर्च में बैठे हैं, आप चर्च में बैठे ऐसे एक्ट तो फिर वहाँ चलने चाहिए। अमेरिका में आप उठाइए, जरा मुझे बताइएगा कितने चंगाई सभा चलते हैं। वो इंडिया जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वो नाइजीरिया या कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ पे ये चीज़ें दिखती है सर, इसलिए इसको कहा जाता है पाखंड या गुमराह करना। अगर आपने कहा कि भारत में लिटरेसी है, अशिक्षा है, अशिक्षित लोग हैं, पर मैं समझता हूँ जितने भी आपने क्लिप दिखाए उनमें एक भी जन ऐसा नहीं दिखाया आपने जो अशिक्षित लगता हो।
तो अमेरिका में क्यों नहीं होता? फादर, 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 पॉइंट उसी पे तो था, अमेरिका में फिर ये चंगाई सभा क्यों नहीं होता? अमेरिका का मेरा, मैं समझता हूं कि न्यूज़ नेशन अभी तक वहां पहुंचा नहीं है। नहीं सर, हमने पहुंच पाए तो नहीं, गूगल तो पहुंचा है ना सर, गूगल तो पहुंचा है ना। आप वीडियो, आप वीडियो लिंक ढूंढिए ना, आप वीडियो लिंक ढूंढिए ना, आपको एक के बाद एक जो है नाइजीरिया के या फिर ऐसे कंट्रीज के मिल जाएंगे जहां पे गरीबी ज्यादा है, भारत के मिल जाएंगे। तो ये तो कन्विंस किया जा रहा है ना, फिर नेशन को वहां पर लेकर के नहीं गए। और आप अगर लेकर के जाएंगे, आप गूगल के कॉलेज में घूम रहे हैं फादर, आप कह रहे हैं गूगल के कॉलेज क्लास में घूम रहे हैं। अच्छा फादर, अगर आप फिजिकली वहां जाएंगे फादर, आप ऐसी सभा आप इतने कॉन्फिडेंट हैं और आप ये कह रहे हैं, मेरा प्रश्न और है, मेरा एक प्रश्न है, तो कुछ बता दीजिए, क्यों नहीं ठीक हो पाए? पोप क्यों नहीं ठीक हो पाए? बिल्कुल आपने सही, पोप क्यों नहीं ठीक हो पाए? व्हील चेयर से क्यों नहीं उठ पाए? बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने, क्यों नहीं ठीक हो पाए? परमेश्वर वचनीय का कि जो मनुष्य किसी के चंगाई के लिए काम करेगा, अगर किसी को ठीक करेगा, तो अगर वो उसको ठीक करता है तो उसके लिए 10 प्रॉब्लम्स के साथ 10 बीमारियां उसको अपने ऊपर खड़ी करनी होगी। ये कहा वहां मौजूद एक जन समूह को, मैं जाता हूं और तुम्हें एक पवित्र आत्मा दिए जाता हूं जो तुम्हारी कदम कदम पर सहायता करेगी, और वो दिन, वो समय, वो घड़ी आएगा जब तुम्हारे जवान बेटे और बेटियां बीमारों के लिए दुआ करेंगे, वो सरों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। मैं किसी मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें कोई भी कर सकता है जो ईमान लाए, विश्वास करे और अपनी देह और अपनी आत्मा को परमात्मा के हाथों में सौंप दे। यहां मौजूद इस दीर्घा में तमाम नौजवान बच्चे, बेटे और बेटियां हैं, और हमने उसमें भी सुना कि हमने विश्वास किया तो हमारी छड़ी छूट गई, हमने विश्वास किया तो हमारी, हम मृत देह में से जिंदा हो गए। एक वाक्य बताना चाहता हूं पवित्र शास्त्र बाइबल से। मरियम और मार्था दो बहनें थी, उनका भाई लाजर था, मर गया, और मरने के तीसरे दिन बाद मरियम का मैसेज प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा, गुरु हे नबी, भाई मर गया, आप आ जाओ। प्रभु यीशु ने कहा अभी रुक जाओ, मेरा समय नहीं आया, और वो वहां रुके। और जब चौथा दिन हुआ, उन्होंने कहा चलो वहां चलते हैं, और उस वक्त इज़राइली परंपरा के अनुसार जो लाजर मर गया था, चार दिन हो गए थे, और इजरायली परंपरा के अनुसार जो मृत देह होती है उसका अंग का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे सकता, उसको इस तरह से बैंडेज किया जाता है, लपेटा जाता है, और हर चीज उसकी ढाप दी जाती है, और कब्र में था, पत्थर रखा हुआ था। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजर कब्र से बाहर, चार दिन, बॉडी सड़ने लगती है, खराब होने लगती है, चार दिन के बाद लाजर उस कब्र से बाहर निकल गया। विश्वास परमेश्वर के, जो मैं काम करता हूं वो आने वाले दिन घड़ी समय में तुम्हारे जवान बेटे और बेटियां भी करेंगे। आपने वीडियो को देखा और इस वीडियो को शेयर जरूर करें कि लोगों तक हम प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई पहुंचा सके। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। और विशारम दासी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचाया जाए। गॉड ब्लेस यू।